कुलगाम में 2 जून को बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या कर दी गई थी। आतंकवादियों ने उन्हें दिन दहाड़े बैंक के अंदर घुसकर गोली मार दी थी। अब सुरक्षा बलों ने इस हत्याकांड का बदला ले लिया है। सुरक्षा बलों ने लक्ष्य के 2 आतंकियों को मौत के घाट उतारा है। इसमें एक बैंक मैनेजर की हत्या में शामिल था। मारे गए आतंकियों में से एक की पहचान शोपियान के जान मोहम्मद लोन के रूप में हुई है। ये लश्कर तैयबा आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ था और 2 जून को बैंक मैनेजर की हत्या में शामिल था। इसके अलावा दूसरे आतंकी की पहचान तुफेल गनी के रूप में हुई है। उसके पास से AK-47 और एक पिस्टल बरामद हुई है। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों ने आतंकवादी संगठनों को बड़ा झटका दिया है। घाटी में इस साल अब तक हुई मुठभेड़ों में 102 आतंकवादियों का सफाया किया गया है। IGP कश्मीर विजय कुमार के अनुसार मारे गए इन दहशतगर्दों में 71 स्थानीय और 29 पाकिस्तानी आतंकी शामिल है। सुरक्षा बलों की ओर से की गई इस बड़ी कार्रवाई का सबसे ज्यादा नुकसान लश्कर-ए-तैयबा को हुआ है, जिसके 65 आतंकवादी मारे गए हैं, जबकि जैश-ए-मोहम्मद के 24 आतंकियों को ढेर किया गया है।